Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता, अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। सीआरपीसी की चलती हुई सीरीज में कल आपसे बात की थी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज हम लेकर आएंगे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की इस वीडियो में बात करेंगे कि सीआरपीसी में कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ के जाने जरूरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है बड़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी सीआरपीसी को पढ़ने में, आपकी मदद काफी हद तक कर देगी क्योंकि सीआरपीसी एक ऐसा एड है जो काफी लंबा है, काफी लेंदी है और उसे पढ़ने में एग्जाम टाइम में बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के आगे आती है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको ये पता लग सके कि सीआरपीसी में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सबसे पहले कवर अप कर लेना चाहिए। हालांकि सीआरपीसी में जो भी कुछ दिया गया है सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में बीएलएलबी और एलएलबी के खासकर छात्रों के लिए अक्सर 99% वो क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो उन क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा और उन क्वेश्चन को अगर आप तैयार करके जाते हैं तो मेरा दावा है कि आप बिल्कुल 100% पास हो जाएंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे, ताकि आपको जो सीआरपीसी का एक लेंथी प्रोसेस है उसे पढ़ने से जो स्टूडेंट जिनके पास समय नहीं होता वो उसे पढ़ नहीं पाते, तो एक शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं ताकि आप उन्हें पढ़ के तैयारी करके एक अच्छे मार्क्स ला सके और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सीआरपीसी को पढ़ने के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर वीडियो की ओर, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं सीआरपीसी में उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे ऑब्जेक्ट्स एंड सैलियंट फीचर्स ऑफ सीआरपीसी 1973, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में भी बात की थी कि क्या क्या सीआरपीसी के उद्देश्य होते हैं और क्या इसकी विशेषताएं हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी पुरानी वीडियोस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहां पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। उसके साथ साथ 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड सेंटेंसेस, यानी कि जो क्रिमिनल कोड्स होती हैं उनका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, ये आप सेक्शन 6 में पढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है, दोनों ही क्वेश्चन आप देखेंगे चैप्टर 1 में पढ़ने को मिलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पर टोटल सेक्शन 484 सेक्शन सीआरपीसी में दिए गए हैं, एक लेंथी एक्ट है और उसके साथ साथ ये 37 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। लेकिन इन 37 चैप्टर्स में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट 15-20 क्वेश्चन है जो 99.99% आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, खासकर बीएलएलबी और एलएलबी के छात्रों के लिए, तो उन्हीं की बात हम यहाँ पर करेंगे। हालांकि सभी पार्ट जो इसके हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो यहां पर मैंने बतलाने की कोशिश की है। तो यहां पर हमने पढ़ा कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड सेक्शन 6 में चैप्टर 1 के अंतर्गत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जहां पूरा वर्गीकरण दिया गया है कि किस किस तरीके से क्रिमिनल कोड्स होती हैं। उसके बाद आता है सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के बारे में अपने आप में एक अलग से क्वेश्चन आता है, सेशन कोर्ट और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सेशन कोर्ट, इसके बारे में सेक्शन 9 में दिया गया है तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जब आप कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पढ़ेंगे तो यहाँ पर साथ ही साथ काफी सारे मजिस्ट्रेट के बारे में हम जानेंगे, जैसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, साथ ही स्पेशल मजिस्ट्रेट, तो ये सारे जो मजिस्ट्रेट हैं यहाँ पर और इसके जो ज्यूरिसडिक्शन है वो हमें सेक्शन 11 से 20 तक हम देखेंगे, 19 तक हमें पढ़ने को मिलता है। तो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। और साथ ही यहाँ पर अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, आप जानते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में जनरली डीएम्स वगैरह के बारे में, तो उनके बारे में यहाँ पर किस तरीके के प्रोसेस और क्या ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है तो वहां पर बतलाया गया है सेक्शन 20 से 22 में बतलाया गया, इसे भी जरूर पढ़कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, यानी कि पीपीओ एपीओ के नाम से आपने सुना होगा, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोक अभियोजक को बोलते हैं, तो लोक अभियोजक सेक्शन 24 और 25 में सीआरपीसी में बतलाया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 मार्क्स का ये भी पूछा जाता है। तो चैप्टर 2 में हम देखते हैं कि चार क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट रूप से आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे इन चारों क्वेश्चनों को, सेशन कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर 3 में एक क्वेश्चन आता है पावर्स ऑफ पनिशमेंट बाय क्रिमिनल कोर्ट्स, यानी कि जो हमने क्रिमिनल कोर्ट्स यहाँ पर पढ़ी थी क्लासेस वर्गीकरण, तो यहाँ पर बताया गया था कौन कौन सी कोर्ट्स होंगी कितने तरीके की, तो उनका जो
पावर्स ऑफ पनिशमेंट है, यानी कि वो कितने पनिशमेंट दे सकते हैं, किस किस तरीके से उनकी पावर दी गई है, वो सारा यहाँ पर बतलाया गया है 26 से 35 तक चैप्टर थर्ड में। 20 मार्क्स का क्वेश्चन बैठता है, हालांकि कई बार ये क्वेश्चन जुड़कर भी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे और इसे तैयार करके जरूर जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। अब बात कर लेते हैं पुलिस की, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की कार्य प्रणाली के बारे में भी बतलाया गया है कि वो किस तरीके से कार्य करेगी। तो यहाँ पर बात करता है जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनकी शक्तियों के बारे में। एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सेक्शन 36 से 40 तक। इनके जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होती है उनकी शक्तियां दी गई है, जो चैप्टर फोर्थ में यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। इन सब के बारे में आने वाली वीडियो में लगातार हम बात करते रहेंगे धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ लेते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए। उसके बाद बात आता है राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन एंड मीनिंग ऑफ अरेस्ट, यानी कि गिरफ्तारी का क्या मीनिंग यहाँ पर दिया गया, गिरफ्तारी क्या होती है, और साथ ही गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या राइट्स होते हैं, उसके क्या क्या अधिकार होते हैं। सेक्शन 41 से सेक्शन 60 तक में बतलाया गया, चैप्टर 5 के अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाता है अपने आप में। उसके बाद आता है प्रोसीजर फॉर इश्यूइंग एंड सर्विसिंग ऑफ समन। आपने सुना होगा समन और वारंट, समन और वारंट के बारे में यहाँ पर बतलाया गया कि समन का प्रोसेस क्या होगा इश्यू करने का और किस तरीके से उसकी सर्विसिंग की जाएगी। तो 20 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरीके से समन के प्रोसेस होते हैं, वो भी बतलाएंगे आगे चल के। सेक्शन 61 से 69 तक में दिया गया है। उसके साथ साथ प्रोसीजर फॉर वारंट सेक्शन 70 से 77 में दिया गया है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, समन और वारंट। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन इसी चैप्टर में, चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं, चैप्टर 6 में एक क्वेश्चन और आ जाता है जहां पर हम बात करते हैं फरार व्यक्ति की, यानी कि जो व्यक्ति फरार हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि कुर्की की उद्घोषणा या फरार व्यक्ति के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं सेक्शन 82 से 84 तक के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो तीनों क्वेश्चन चैप्टर 6 में आते हैं, तीनों क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, समन वारंट और कुर्की, यानी कि कुर्की का नाम है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जब फरार व्यक्ति की प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया जाता है। तो ये सारे के सारे हमने देखा चैप्टर 6 तक कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं कौन कौन से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे जाते हैं। तो चैप्टर 6 के बाद आ जाते हैं चैप्टर 9 पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स्ड वाइफ, सेक्शन 125 से 128 तक। मेंटेनेंस के बारे में बात करता है, जो डाइवोर्सी होते हैं उनके मेंटेनेंस के बारे में किस तरीके से प्रोसीजर किया गया है, प्रोसीडिंग्स बतलाई गई है सीआरपीसी में, तो जरूर पढ़ेंगे। 20 मार्क्स में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ न्यूसेंस और अप्रिहेंडेड डेंजर, सेक्शन 144 की बात यहाँ पर की जाती है, जो अक्सर लगती भी है, आपने देखा होगा। जहां पर हम बात करते हैं कि पावर ऑफ मजिस्ट्रेट क्या क्या दी गई है, अगर कहीं पर न्यूसेंस हो जाती है या खतरे की आशंका उत्पन्न हो जाती है, उस केस में कौन कौन सी मजिस्ट्रेट पावर्स होती है, या फिर अनलॉफुल असेंबली भी इसी के अंतर्गत आता है, तो वहां पर मजिस्ट्रेटल पावर को हम समझेंगे। 20 मार्क्स में क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट FIR, सेक्शन 154 में दी गई है, तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से फिर पुलिस का काम शुरू हो जाता है। जब भी कोई घटना होती है, आपको पता है कि FIR कराई जाती है, तो FIR किस तरीके से होती है, क्या क्या प्रोविजन सीआरपीसी के अंतर्गत उसके लिए दिए गए हैं, तो सेक्शन 154 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है प्रोसीजर एंड पावर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन इन कॉग्निजिबल ऑफेंस, देखिए संज्ञेय अपराधों में इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर, किस तरीके से अन्वेषण किया जाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया और क्या क्या पावर्स वहां पर दी गई है पुलिस ऑफिसर को, तो उसके बारे में सेक्शन 156 बतलाता है। यहीं पर नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस भी इस चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कॉग्निजिबल ऑफेंस के बारे में, यानी कि सेक्शन 156 जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके साथ साथ आता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, जहां पर कन्फेशन किया जाता है, स्टेटमेंट लिया जाता है, सेक्शन 164, आपने 164 के बयान सुने होंगे अगर आप कोर्ट में गए होंगे, तो वहां पर सेक्शन 164 अक्सर आपके एग्जाम में कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा जाता है कि किस तरीके से इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट के नाम से। उसके बाद आता है प्रोसीजर रिगार्डिंग पुलिस रिपोर्ट। अब जब सारा इन्वेस्टिगेट हो जाता है, तो उसके बाद पुलिस रिपोर्ट जो दर्ज होती है, जिसे आप चार्जशीट के नाम से जानते हैं, तो सेक्शन
क्वेश्चन 173 में दी गई है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे कि 173 में किस किस तरीके से प्रोसीजर दिए गए हैं चार्जशीट के, किस तरीके से फाइल होती है, किस तरीके से बनती है, तो सारी चीजें यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछी जाती है 20 मार्क्स में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 12 यहाँ पर है, जिसमें से 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा चैप्टर 12 में इन 4 क्वेश्चन को जरूर पढ़कर जाइएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर ट्रायल एंड इंक्वायरी का, विचारण जांच एवं विचारण क्या होता है और उनमें क्या डिफरेंस है, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है जो चैप्टर 13 में दिया गया है सेक्शन 177 से 189 तक, अक्सर शॉर्ट में 10 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। साथ ही उसके बाद आता है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, यानी कि एक तो होता है केस दर्ज किया जाता है एफआईआर के थ्रू जो हमने ऊपर पढ़ा, एक होता है जब आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो कंप्लेंट के थ्रू आप कंप्लेंट करते हैं, उसके बाद उसका कॉग्निजेंस लिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, उसे संज्ञान में लिया जाता है, तो वो कंप्लेंट के द्वारा होता है, तो कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट किस तरीके से की जाएगी और उसका क्या प्रोसेस है, तो यहाँ पर सेक्शन 200 से 203 तक में दिया गया है चैप्टर 15 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर आपके एग्जाम में। उसके बाद आता है चार्ज, चार्ज का मतलब आरोप, यहाँ पर हमने चार्जशीट पढ़ी थी आरोप पत्र, अब यहाँ पर पढ़ेंगे आरोप किस तरीके से दिए गए हैं जो सेक्शन 211 से 224 तक चैप्टर 17 में पढ़ने को मिलेंगे, 20 मार्क्स में ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ट्रायल इन सेशन कोर्ट, यानी कि सेशन कोर्ट में किस तरीके से ट्रायल किया जाता है, उसकी क्या क्या प्रक्रिया है, विचारण की क्या क्या प्रक्रिया है सेशन कोर्ट में, तो उसे भी जानेंगे चैप्टर 18 में सेक्शन 225 से 237 तक ये दिया गया है। उसके बाद एक आप पढ़ेंगे संक्षिप्त ट्रायल विचारण समरी ट्रायल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 मार्क्स में अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे सेक्शन 260 से 265 तक चैप्टर 21 में आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है जो अक्सर शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ लिया जाता है, प्ली बार्गेनिंग यानी कि अभिभाग सौदेबाजी क्या होता है, ये चैप्टर 21A में दिया गया है, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट नोट इस पर पूछा जाता है, सेक्शन 265A से लेकर दिया गया है चैप्टर 21A में, तो इसे भी पढ़ लेंगे। कुछ क्वेश्चन और बसते हैं 4-5 क्वेश्चन, उनके बारे में भी जान लेते हैं सीआरपीसी में कि वो कौन से क्वेश्चन है। तो उसके बाद देखते हैं चैप्टर 26 में सेक्शन 345 और 346 में पावर्स रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि न्यायालय की मानहानि में न्यायालय क्या क्या वहां पर पावर्स यूज कर सकता है, तो उस कंडीशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोबेशन का, जहां पर परिवीक्षा, आपने प्रोबेशन पीरियड सुना होगा तो किस तरह प्रोबेशन पीरियड पर किसी भी ऑफेंडर को छोड़ा जाता है, तो सारा प्रोसीजर सेक्शन 360 में चैप्टर 27 में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, आने वाली वीडियोस में इन सभी क्वेश्चंस पर बात भी करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपील्स के बारे में, जरूर पढ़कर जाइएगा सेक्शन 372 से 394 तक चैप्टर 29 में किस तरीके से अपील्स की जा सकती है इसकी वो दिया गया है। उसके बाद आता है पावर्स ऑफ रिविजन एंड रेफरेंस पुनरीक्षण एवं निर्देश सेक्शन 395 से 405 में दिया गया है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे 10 मार्क्स में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे कि क्या पुनरीक्षण किस तरीके से पुनरीक्षण शक्तियां दी गई है, निर्देश देने की शक्तियां किस तरीके से यहाँ पर दिखाई गई है सीआरपीसी के अंतर्गत, क्या उनका प्रोसीजर, तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पावर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस, यानी कि क्रिमिनल केसेस का ट्रांसफर एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट किस तरीके से किया जा सकता है, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो वो यहाँ पर पढ़ेंगे हम सेक्शन 406 से 412 तक चैप्टर 31 में 31 में। उसके बाद आता है पोस्टपोन एंड कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस, कम्यूटेशन मीन्स होता है लघुकरण, यानी कि अगर किसी को मान लीजिए डेथ सेंटेंस दे दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया, तो उस कंडीशन में उसके मृत्युदंड को पोस्टपोन करना या उसे कम करना, तो ये यहाँ पर पढ़ेंगे सेक्शन 415 में और 433 में, तो इसे जरूर पढ़ के जाइएगा, ये क्वेश्चन भी अक्सर 10 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 मार्क्स में पूछा जाता है, इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, यानी कि जमानत कब ली जा सकती है, तो ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 436 और 437 में, 20 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया जाता है एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि अग्रिम जमानत के क्या क्या प्रोविजन या प्रोसीजर्स है, वो सेक्शन 438 में या चैप्टर 33 में पढ़ने को हमें मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा 20 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेल को लेकर, जहां पर हम
ऑफेंसेस पढ़ते हैं, हमें पता था ऑफेंसेस उनमें तीन चार तरीके के मैंने पहले भी बतलाए थे, कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल और उसके बाद बेलेबल और नॉन बेलेबल। तो यहाँ पर बेलेबल ऑफेंसेस की बात और उनके प्रोसीजर को बतलाया गया है। उसके बाद ये सारा प्रोसेस आ जाता है सीआरपीसी के अंतर्गत। हमने देखे लगभग 30-31 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर केवल वही क्वेश्चन बताए हैं जो 99% बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर बार 100% आपके पेपर में आते ही आते हैं। हालांकि पूरी सीआरपीसी आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार समय की कमी की वजह से 484 सेक्शंस, इतने लेंथी सेक्शंस को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़कर जाइएगा ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। उसके बाद दो क्वेश्चंस यहां पर और पूछे जाते हैं सीआरपीसी से हटकर, यानी कि सीआरपीसी एक्ट के साथ दो एक्ट और जुड़ जाते हैं और ये क्वेश्चन अक्सर 20 मार्क्स में आपसे या 10 मार्क्स में इन पर जनरल प्रोविजंस इनके पूछ लिए जाते हैं। तो इसे भी देख लीजिएगा वो कौन से एक्ट हैं, जैसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, यानी कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, जहां हमने ये पढ़ा था परिवीक्षा, तो यहां पर ये एक्ट जुड़ जाता है। तो इसके नियम भी जरूर देख के जाएंगे, 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोविजंस इसके कुछ। उसके बाद आता है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, जहां पर हम किशोर जो अपराधी होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो उनके बारे में भी अक्सर 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरी की पूरी सीआरपीसी इन 30-32 क्वेश्चन के अंतर्गत खत्म हो जाती है। अगर आप बीएएलएलबी और एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो 30-32 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं जो आज इन वीडियो में बतलाए गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आ गए होंगे और आने वाले समय में, आने वाली वीडियोज में इन सब विषयों पर चर्चा भी करेंगे डिटेल में। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और अगर आप फिर भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से इन पर डिटेल में बात करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.loguruashugupta.in पर जाकर सर्च कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, वहां पर जाकर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।